हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीओआई केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपना ग्रुप थ्योरी। ओके, ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है, अपन को क्या करना है, ऑर्डर निकाल के देखना है। ठीक है, जैसे कोई भी अपने पास में ग्रुप दिया हुआ है उसको अपनी उसमें अपने को क्या करना है, ऑर्डर निकालना है कि कितने ऑर्डर उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो देखना, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ाया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ाया था, याद है आपको। देखना, जैसे मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ाया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ाया था, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ाया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बताया था। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में अपन ने कर ली इन सब की बात, पॉइंट ग्रुप भी अपन ने पढ़ लिया। तो उनसे क्या करेंगे, अपन को क्या करना, वो जो अपने पीछे पढ़ा है वो इसमें क्या करेगा, अपनी बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो आपने यदि वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके आप उनको देख लो, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आगे वाला। ठीक है, तो देखना, जैसे इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी अपन लगा के देखेंगे, ठीक है, उसमें ऑर्डर निकालेंगे अपन, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी उसमें कोई भी मॉलिक्यूल में लगा के देखेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी देखेंगे अपन ऑर्डर कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री में भी अपन देखेंगे। तो अपन देखना, जैसे मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगी, मैं आपको पीछे वाला पूरा नहीं बताने वाली, वरना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप प्लीज़ मैंने जो पीछे लेक्चर बनाए हैं वो आप देख लेना एक बार जाके। ठीक है, तो देखना, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि पॉइंट ग्रुप में अपने को क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो देखना, मैंने आपको बताया था कि अपन लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल वाली स्ट्रक्चर है, मैंने इसमें जब एक्सिस पास करवाई तो अपन ने यहाँ से जेड एक्सिस पास करवाई थी। ठीक है, यहाँ से जब मैं जेड एक्सिस पास करवाऊंगी तो यहाँ पे मैं नंबर दे देती हूँ 1 और 2, तो ये H1 एंड H2 है। ओके, तो ये क्या करेंगे, आपस में रोटेट होंगे। ठीक है, ये रोटेट होंगे, कहाँ चला जाएगा, जैसे कुछ इस तरह से आ जाएगी अपनी स्ट्रक्चर। H1 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, एंड H2 किधर जाएगा, इधर, क्योंकि अपनी पोजीशन इन्होंने क्या कर ली, चेंज कर ली। ठीक है, अब जैसे देखना, यहाँ से एक्सिस पास कर, कौन से एक्सिस पास करवाने से होते हैं, ये C2Z एक्सिस पास करवाने से आता है ना अपना ये मॉलिक्यूल। जब मैंने यहाँ पे C2Z एक्सिस पास करवाई तो अपना कौन सा ये होता है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आता है, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आता है, कि नहीं बोलो भाई, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आता है। ओके, अब देखना, हम यहाँ पे जब ऑर्डर निकालेंगे तो हमें क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, जो ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल है, मुझे सेम ही यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, मुझे क्या करना है, इनको रोटेट करवा के मुझे सेम यही वाला मॉलिक्यूल मुझे एज इट इज़ यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो मुझे देखना है कि वो जो ये वाला मॉलिक्यूल सेम यहाँ पे आएगा तो ये कितने ऑपरेशन लगने के बाद आता है। ठीक है, तो उनको मैं क्या करूँगी, ऑर्डर वहाँ पे अपना निकल जाएगा। इसलिए देखना कैसे होता है, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, मैंने इसको रोटेट किया C2Z एक्सिस पे, तो कुछ इस प्रकार से हो गया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखना, जैसे मैं इसको फिर से C2Z एक्सिस पे रोटेट करूँगी, यहाँ से मैंने जब फिर से C2Z एक्सिस लगाई तो ये H2 किधर रिप्लेस होगा, H1 की तरफ। H1 कहाँ जाएगा, H2 की जगह जाएगा ना, तो ये दोनों रोटेट हो गए, फिर से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, किधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, हो जाएगी ना कुछ इस तरह से। अब देखना, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर अपने पास में आ गई। ओके, अब ये क्या होती है, ये तो अपने पास में पता है इक्विवेलेंट है, और ये क्या हो गया, सेम। ठीक है, ऑर्डर निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले जो स्ट्रक्चर है वैसे के वैसे स्ट्रक्चर वहाँ पर आनी चाहिए, है ना। तो हमें देखना है कि कितनी बार मैंने इसको रोटेट किया, कितनी एक्सिस मैंने इसमें लगाई जिससे मुझे ये वाला मॉलिक्यूल मिला। ठीक है, यहाँ से मैंने कितनी एक्सिस यहाँ पे लगाई, 1 एंड 2, एक यहाँ पे लगाई, एक यहाँ पे, C1 C2 1 एंड C2 2, टू एक्सिस, 2 बार इसको रोटेट करवाया मैंने, तो क्या आई मेरे पास, ये वाली स्ट्रक्चर आई मेरे पास। ओके, तो अब देखना यहाँ पे ये वाला क्या है, देखना, जैसे तो जब ये C2 एक्सिस यहाँ पे लेती है, ठीक है, जैसे मैं आपको एक और बात बता दूँ, जैसे ऑर्डर होता है उसको अपन H से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं जब जहाँ H लिखूँ तो आप समझ रहे ना कि इसके ऑर्डर लिख रही हूँ मैं साथ साथ में। ओके, जैसे देखना, मैंने जैसे यहाँ पे मैं H लिख रही हूँ, ओके, तो मैंने जैसे C2 का निकालना है, ठीक है, C2 एक्सिस का निकालना है कि कितने ऑर्डर यहाँ पे प्रेजेंट है, H का मतलब होता है ऑर्डर। ओके, तो देखते हैं अपन कितने ऑर्डर यहाँ पे निकालेंगे, तो C2Z है यहाँ पे, तो C2 को कितने बार रोटेट करवाया, 1 बार रोटेट करवाया, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1। ओके, फिर से मैंने 1 बार और रोटेट करवाया, 2 बार रोटेट करवाया, ठीक है, कितने ऑपरेशन लगे यहाँ पे, 2 ऑपरेशन लगे। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या होती है, जैसे जैसे 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ऑर्डर की, इसकी क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट इन ए ग्रुप, मतलब जितने भी सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं, जैसे देखना 1 एंड 2 टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं किस में, ग्रुप में, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ठीक है, तो अपना क्या जाएगा, उससे ऑर्डर निकल जाएगा। ओके, अब अपने कहाँ कितने ऑर्डर आ गए यहाँ पे, 2 ऑर्डर आ गए। ओके, अब जैसे देखना आपको आगे समझ में आ गया, अपन क्या करेंगे अब इसमें, ये तो बात हुई, अपन ने इसमें क्या किया, C2Z
एक्सिस लगाई, ठीक है। अब जो वाटर मोलिक्यूल होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैंने बताया आपको, C2 प्लस एन सिग्मा भी, सी एन प्लस एन सिग्मा भी होता है ना इसमें पॉइंट ग्रुप। तो देखना, जैसे अपने C2 तो यहाँ पे पास करवा के देख ली, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें सिग्मा, ठीक है। सिग्मा देखते हैं, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में देखना, जैसे यहाँ पे मैं प्लेन ऑफ, जैसे अपना ये लेते हैं, वाटर मोलिक्यूल में बताया ना मैंने आपको ये पॉइंट ग्रुप, तो जैसे 1 एंड 2 है, ओके। अब जैसे मैंने यहाँ से प्लेन पास करवाया, मतलब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी एक्सिस होती है, यहाँ पे जेड एक्सिस होती है, यहाँ पे वाई एक्सिस प्रेजेंट होती है, एंड ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। जैसे देखना कुछ इस प्रकार से होती है ना। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, इसमें क्या करूँगी, जैसे ये मैं आपको मॉडल से समझा रही हूँ, जैसे देखना ये वाई एक्सिस होती है यहाँ से, है ना। देखना ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सी है, जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ओके। एक्स जेड एंड वाई एक्सिस। अब देखना, जब मैं यहाँ से प्लेन पास करवाऊँगी जेड वाले से, और जेड वाले से प्लेन पास करवाऊँगी जेड एक्सिस से, तो जेड के साथ में वाई वाला भी तो कट रहा है ना, क्योंकि ये भी तो सेंटर में है, है ना। मैंने ऐसे ही जब यहाँ से मिड से जब मैं यहाँ से प्लेन पास करवाऊँगी, कोई भी यहाँ से जब प्लेन पास करवाते हैं, तो ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट कौन हो रहा है, ओनली एक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सिर्फ ये देखना, देख से देखना मैंने यहाँ पे क्या किया, जब जेड एक्सिस लगाई यहाँ पे, जेड और वाई के मैंने यहाँ से जब प्लेन डाला, तो ये वाला प्लेन, मतलब ये वाला है ना, तो वाई एंड जेड दोनों क्या होंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो मैं कौन सा लगा रही हूँ, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड जेड वाला, जब मैंने यहाँ से प्लेन पास करवाया तो कैसा आ जाएगा मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन H2। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में रिफ्लेक्ट होंगे। जब यहाँ से एक्स और वाई और जेड के अलोंग जब अब यहाँ से प्लेन को पास करवाएंगे, तो वाई और जेड को तो क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, और ये दोनों क्या हो देंगे, आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो H2 किधर चला जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा, और H1 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो देखना ये तो हुई अपनी, ये तो क्या बन रहा है अपने को, इक्विवेलेंट मिल रहा है, ठीक है। ये तो क्या इक्विवेलेंट, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो देखना मुझे सेम ये वाला चाहिए ना, ये वाला चाहिए, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, एक बार और सिग्मा एक्स वाई यहाँ से एक बार और रोटेट करवाऊँगी, मतलब एक बार और बाइसेक्ट करवाऊँगी सिग्मा वाई, एक बार और सॉरी प्लेन पास करवाऊँगी किसका, वाई और जेड का, ओके। तो फिर क्या जाएगा, जब यहाँ से मैं प्लेन फिर से पास करवाऊँगी, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और ये इस वाली पोजिशन पे, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। तो ये दोनों मुझे ये HDG स्ट्रक्चर यहाँ पे मिली है, तो मतलब इसका क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर प्रेजेंट है। कितना कितने ऑर्डर हैं देखना, जैसे सिग्मा वाई जेड मैंने यहाँ पे किया, तो कितना हुआ, 1 बार रोटेट किया सिग्मा, 1 बार मैंने इसमें प्लेन पास करवाया, फिर मैंने एक बार और फिर से प्लेन पास करवाया यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल में, तो कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 1+1 कितने हो गए, 2। तो इसके सिमेट्री ऑपरेशन कितने हैं यहाँ पे, 2 सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट है। तो अपन ने यहाँ पे प्लेन भी पास करवा लिया इस स्ट्रक्चर में, और अपन ने एक्सिस भी डाल के देख ली, ठीक है। तो देखना अपना क्या आता है, अपने आपको ऑर्डर पता चल रहा है, यहाँ पे 2 ऑर्डर हैं, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी 2 ऑर्डर, और इस वाले में भी 2 है, ठीक है। जैसे अपन अब बात करते हैं, जैसे देखना ये तो C2 की बात हो गई, प्लेन भी पास कर लिया। अब देखते हैं अपन C3 एक्सिस, मतलब CN वाले सारे देख रहे हैं अपन पहले, ठीक है, CN वाले। तो CN इज इक्वल टू क्या होता है, N होता है इसके पास में। ये तो क्या होती है, ट्रिक होती है, मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी इसके बाद में। पहले अपन क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट से निकाल के देखेंगे, ठीक है, कि ऑर्डर कैसे अपन निकाल भी सकते हैं यदि अपने को ट्रिक याद ना रहे तो। लेकिन आपको जहाँ तक हो सके आप इस ट्रिक को याद करना, मैं आपको ट्रिक बता दूंगी पूरी, मैं आपको ट्रिक लिख दूंगी यहाँ पे, आप उसे नोट कर लेना, ठीक है आपको, और याद जहाँ तक हो सके आप उसे याद कर लेना, क्योंकि वो बहुत ईजी रहेगी आपको याद करना, ठीक है। ये तो क्या मैं बता रही हूँ, जो ये क्या सब कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आप यदि आपको ये बाई चांस याद ना रहे तो आप कॉन्सेप्ट से अभी कैसे निकाल सकते हैं अपन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को, ओके। तो देखना जैसे अपन बात कर रहे थे किसकी, अपनी C2 हो गया, सिग्मा भी अपन ने लगा के देख लिया। अब जैसे अपने C3 में देखते हैं, ठीक है, CN में। अब जैसे C3 एक्सेस देखते हैं, तो C3 का अपन लेते हैं, जैसे अपना कौन सा आता है एग्जाम्पल, जैसे अमोनिया लेते हैं, ओके। ये अपने क्या होते हैं, कॉमन एग्जाम्पल होते हैं, ये बहुत इजी याद हो जाते हैं, चाहे आपको कितना भी डिफिकल्ट वहाँ पे मॉलिक्यूल दिया हुआ हो, आप इनसे रिलेट करके यदि देखेंगे, जैसे अपना वाटर मॉलिक्यूल आता है, अमोनिया आता है, BF3 आता है, ठीक है, PtCl4 आता है, इनसे आप जब कोरिलेट करके देखोगे ना, तो आपको हर मतलब कितना भी डिफिकल्ट मॉलिक्यूल दिया हो आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो आप पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इनको क्या करना है, उनसे कोरिलेट करके देखना है, ठीक है। अब जैसे देखना ये अमोनिया वाली स्ट्रक्चर, आपको पता है इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है,
ओके तो यहाँ पे देखना, जैसे C3 एक्सिस है, तो मैंने क्या किया इसको यहाँ से एक्सिस डाली, तो ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा रोटेट होके, ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा रोटेट होके, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं C3 एक्सिस डालूँगी तो देखना, जैसे जैसे मैंने 1/2 इसको रोटेट करवाया C3 को, तो S3 कहाँ चला जाएगा, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होगी। 3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एंड 1 कहाँ पे आ जाएगा, रोटेट होके 3 की मतलब 3 की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगी मेरी। मैं फिर से इसमें क्या करूँ, मुझे क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो ये तो क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट आ रहे हैं, इक्विवेलेंट नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, जैसा यहाँ पे मॉलिक्यूल है वैसा का वैसा मुझे सेम आने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। जो रोटेट हो गया मुझे क्या, जो जहाँ से पोजीशन, जिस पोजीशन से जो रोटेट हुआ है, मुझे उसी पोजीशन पे वापस वही एटम चाहिए, ठीक है। तो देखना, जैसे अपने इसको रोटेट करवाया C3 पे, अब मैं इसको एक बार और रोटेट करवा दूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो सेम चाहिए ना। तो देखते हैं अपन रोटेट करवा के देखेंगे कि कैसे अपना इक्विवेलेंट आ रहा है। ओके, जैसे मैंने C3 मतलब एक बार और मैंने यहाँ पे C3 एक्सिस डाली, तो क्या होता है देखना, अपना मॉलिक्यूल कैसा आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, कितना देखें, जैसे ये यहाँ पे रोटेट होगा, ये यहाँ पे रोटेट होगा एंड ये यहाँ पे जाएगा। ओके, तो H1 वाला कहाँ पे आ गया, अपना 3 की जगह, 3 वाला कहाँ जाएगा, 2 की जगह, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अभी भी देखना ये कि ये सेम है यहाँ पे, यहाँ पे तो H1 H2 H3 एंड H3 H1 है, सेम है नहीं है। तो देखना जैसे फिर से क्या करेंगे अपन, इसको फिर से रोटेट करवाएंगे भाई, जब तक नहीं आएगा रोटेट करवाएंगे इसको। जैसे देखना, अमोनिया है यहाँ पे, H3 है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे फ्रंट साइड में हाइड्रोजन एंड ये बैक साइड में हाइड्रोजन। ओके, अब मैंने फिर से यहाँ से एक्सिस डाल के इसको रोटेट करवाया। ओके, मैं यहाँ से इसको रोटेट करवाऊँगी तो ये वाला कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जाएगा, ये वाला कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे। तो 2 वाला कहाँ आ जाएगा इस बार, यहाँ पे आ जाएगा। 1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 3 रोटेट हो गया, कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3, देखना आपको सेम लग रहे हैं क्या। हाँ भाई, लग रहे हैं ना, सही सेम लग रहे हैं ना। तो हमें क्या चाहिए था, ऐसा ही चाहिए था। तो अब अपने को क्या देखना, ये तो आ गया अपना, ठीक है, सेम आ गए सारे, अपने सारा मॉलिक्यूल सबको रोटेट करवा के देख लिया अपना, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे आता है, ठीक है। अब अपने को देखना कि भाई कितने ऑपरेशन अपने यहाँ पे लगाए जिससे जाके अपना ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे आया है। ओके, तो देखना अपने को क्या देख रहे हैं, अपन C3 देख रहे हैं, यहाँ पे मैं ऑर्डर लिखूंगी कि कितने आते हैं, ठीक है। तो देखना C3 मैंने क्या किया, पहले 1 वाला यहाँ से एक बार रोटेट करवाया, फिर से यहाँ से भी एक बार रोटेट करवाया एंड यहाँ से मैंने एक बार रोटेट करवाया, तो कितने हो गए, 1 2 एंड 3, 3 बार रोटेट करवा के मुझे ये सेम मिला है ना, तो कितने हो गए, 3 ऑर्डर हो जाएंगे। तो आपको ऐसे आप ऐसे निकाल के देख सकते हो, ठीक है, आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा ना। अब जैसे देखना, ये तो बात हुई अपनी C3 वाले की, ठीक है। अब अपन C4 में भी निकाल के देख सकते हैं, ऐसे अपन C5 में भी निकाल के देख सकते हैं। और एक और ट्रिक होती है, देखना जैसे C2 में किया तो 2 आ रहा है ऑर्डर, ठीक है, C3 में किया तो 3 आ रहा है, वैसे C4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, C5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा ऑर्डर। मैंने आपको निकाल के भी बता दिया और आप भी रोटेट करवा के देख सकते हो, यदि आपको मतलब श्योर नहीं है कि मैम गलत बता रहे होंगे, तो आप एक बार ज़रूर निकाल के देखना कि C4 का आता है तो 4 आएगा, C5 का आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, C6 का देखोगे तो 6 आ जाएगा। आप जितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें लगाओगे आप मॉलिक्यूल में, उतने ही अपने क्या आ रहे हैं वहाँ पे, ऑर्डर आ रहे हैं। ओके, तो ये तो बात हुई अपनी C2 C3 C4 की। अब अपन देखते हैं यहाँ पे, जैसे अपन अब हाँ C2 वाली बात होगी, अपन जब देखेंगे अब I में देखेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री में अब लेते हैं अपना एग्जांपल, जैसे PTCl4 वाले एग्जांपल में देखना, अपन अधिकतर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है पता है, जैसे अपन उसमें देख लेते हैं भाई C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है उसमें एंड C2 एक्सिस देख ली, C3 होगी तो C3 भी देख लेंगे, C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है, और अपन उसमें क्या देख लेते हैं, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देख लेते हैं कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। जैसे अपन मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, जैसे अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना भूल जाते हैं कि यार इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो सकता था या फिर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता था, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई भी मॉलिक्यूल में और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी, ठीक है। तो जैसे देखना, मैंने आपको पीछे पढ़ा भी दिया है, लेकिन अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। तो देखना जैसे PTCl4 है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वो कैसे प्रेजेंट होती है, डायगोनली प्रेजेंट होती है ना, डायगोनली प्रेजेंट होती है। ये जो पॉइंट होते हैं ये क्या करने चाहिए, आपस में मिलने चाहिए, ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट यहाँ से पास होने चाहिए और क्या होने चाहिए, डायगोनली बनने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दोनों डायगोनली बन रहे हैं ना, वाई मतलब वाई से वाई एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, ठीक है, डायगोनली होना चाहिए।
तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहे हैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में, ठीक है? तो इसमें मतलब आई प्रेजेंट है। अब जैसे देखना इसमें क्या होता है, ये जो मैंने इसको क्या करा, एक बार जैसे अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने नंबरिंग लगा दी 1, 2, 3 एंड 4, ओके। मैंने इसको यहाँ पे आई आई की प्रेजेंस में मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, रोटेट करवाया, ठीक है? तो जब मैं यहाँ पे रोटेट करवाऊँगी तो ये क्या होगा, जैसे देखना CL3 वाला है ये किधर चला जाएगा, जैसे देखना इसको अपन रोटेट कैसे करवाएंगे, इसको ऐसे थोड़ा ना करवाएंगे, एक्सिस जेड के एक्सिस नहीं डाली है ना अपन ने, कि अपन पहले सबसे पहले देखें कि अपन ने मॉलिक्यूल में कौन सी एक्सिस के अलोंग, कौन सी एक्सिस के अलोंग अपन रोटेट करवा रहे हैं। तो अपन को पता है यहाँ पे डायगोनली आई मीन वाई के अलोंग है, तो वाई कैसे होता है, जो यहाँ वाला मॉलिक्यूल होता है वो कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है। जो यहाँ वाला एटम होता है वो कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है। ऐसे तो रोटेट होते हैं ना, जो यहाँ वाला होता है वो यहाँ पे चला जाता है। तो जो प्लेटिनम होता है, जैसे इसमें क्या होगा, जो CL3 है वो कहाँ चला जाएगा, इस वाली पोजिशन पर चला जाएगा। 1 किधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? और जो CL2 है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और CL4 है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो ये तो मुझे क्या मिल गया, इसका इक्विवेलेंट, लेकिन मुझे इक्विवेलेंट नहीं, यहाँ पे मुझे इसका सेम मॉलिक्यूल चाहिए। तो मैं फिर से इसको आई को फिर से रोटेट करवाऊँगी इस वाले मॉलिक्यूल, तो देखना क्या स्ट्रक्चर आती है। जैसे मैंने इसको वाले को यहाँ मैंने डायगोनली इस पे एक्सिस पास करवाई, जब मैंने इसको रोटेट करवाया तो जो ये 3 वाला ही कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। 1 वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। एंड 4 वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। एंड सेकंड वाला यहाँ पे, ओके। तो ये कुछ अपनी ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब ये क्या आ गया देखना, कुछ सेम आ रहा है, लग रहा है आपको सेम, कुछ 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 नहीं सारा ही है, ओके। तो यहाँ पे देखना, जैसे PTCl4 वाला है, इस वाले एग्जांपल में जैसे अपने यहाँ से करवाया, तो आई है इसमें कितने होते हैं, जैसे जो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें मैंने एक बार रोटेट करवाया इसको, फिर से मैंने एक बार रोटेट करवाया, तो कितने बार रोटेट करवाया जब मेरे को यहाँ पे ये मिला, 2 बार। तो ये आई का ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2। सेंटर ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2, ओके। अब जैसे देखना नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो अपनी आई वाले की भी हो गई, ठीक है? अब एक होता है ई, आपको पता है ई मीन आइडेंटिटी, ई होता है जैसे देखना ई का, जैसे देखना क्या होता है इसमें, इसमें अपन क्या कहते हैं 360 रोटेट करवाते हैं, ठीक है? ई मतलब मैंने आपको बताया था, जो मॉलिक्यूल 360 रोटेट करता है, ठीक है? तो जिसमें 360 रोटेशन पॉसिबल होता है, तो उसमें यदि 360 रोटेशन पॉसिबल हो रहा है तो उसमें तो मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो कहीं पर ना तो उसमें जेड एक्सिस लग रही, ना वाई एक्सिस लग रही, ना उसमें एक्स एक्सिस लग रही है, वो तो सीधा 360 डिग्री रोटेट हो रहा है। तो जब वो 360 डिग्री रोटेट होगा तो आइडेंटिटी में सिर्फ वो एक बार में ही तो अपना जिस जैसा मॉलिक्यूल है वैसा आएगा ना, तो 360 रोटेट होकर एक बार में वो पूरा 360 रोटेट कर लेगा, आइडेंटिटी मिल जाएगी उसको। तो कितनी बार रोटेट हुआ, सिर्फ एक बार रोटेट हुआ, तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे एक, ओके। जैसे देखना अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अपनी आइडेंटिटी की भी हो गई, C5 सिग्मा भी, प्लेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बता दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कर लिया अपन ने, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगा और आइडेंटिटी भी होगा। नेक्स्ट एक और अपना बचता है, वो कौन सा होता है, एंड ये सबसे क्या होता है, वैसे डिफिकल्ट भी होता है थोड़ा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी है, ओके। होता डिफिकल्ट है लेकिन समझोगे तो आ जाएगा। जैसे देखना कौन सा होता है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो बचाना अपना। जैसे देखना इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, SN से। इसमें क्या करते हैं आपको पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, फिर से यहाँ पे बता रही हूँ कि जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, पहले क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है, पहले क्या होता है उसमें, पहले रोटेशन होता है फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है? जैसे क्या करते हैं, पहले तो उसमें एक्सिस पास करवाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल लेती हूँ SN का, ओके। जैसे अपन लेते हैं BF3, तो जैसे देखना BF3 है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये जो BF3 वाला मॉलिक्यूल है, मैं एक सेकंड इनको यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि मैं जब ये बहुत बड़ा बनने वाला है, C2 सिग्मा में कितने हो गए यहाँ पे, 2 ऑर्डर, एंड C3 C4 C5 कितने हो गए, 3 4 5, एंड आई सेंटर ऑफ सिमेट्री में कितने हैं यहाँ पे, 2, आइडेंटिटी में 1, ठीक है? अब जैसे मैं इसको रफ कर देती हूँ, अब देखना अपन ये जहाँ BF3 है, ठीक है? पहले अपन क्या करते हैं, जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है उसमें क्या करते हैं, जैसे इसके एक्सिस मैंने यदि यहाँ पे एक्सिस पास करवाई और ये क्या किया, इसको मैंने रोटेट किया, ठीक है? आपको पता है BF3 में कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होती है, C3 एक्सिस होती है। कैसे होती है, जब मैं यहाँ से एक्सिस डालूंगी तो तीनों क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। जितने आइटम वहाँ पे रोटेट होते हैं कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होती है, C3, मतलब जितने भी आइटम होते हैं उतने क्या होते हैं वहाँ पे, एक्सिस प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस होगी, C3, आपको पता है C3 एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। अब जैसे अपन देखना
मैंने इसको नंबरिंग दे दी 1, 2 एंड 3। ओके, अब यहाँ से जब मैं प्लेन पास करवाऊँगी तो दोनों रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। प्लेन पास करवाऊँगी तब रिफ्लेक्ट होंगे, रोटेट करवाऊँगी तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में रोटेट होंगे। मैंने देखना सर से आपको बताया था कि यह जो SN होती है, ठीक है, SN एक्सिस होती है, उसमें चाहे आप पहले रोटेट करवा लो C2Z एक्सिस पे, ठीक है, चाहे पहले रोटेट करवा लो या फिर उसमें क्या कर दो प्लेन पास करवा लो, ठीक है, या फिर उसमें प्लेन पास करवा लो, कौन सा भी करवा लो, सिग्मा एक्स वाई करवा लो, सिग्मा वाई जेड, ओके। और एक होता है चाहे उसमें आप पहले प्लेन पास करवा लो या फिर C2Z करवा लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। रिजल्ट तो अपने को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, चाहे अपन कुछ भी करवाएं लेकिन पहले क्या होगा, यहाँ पे रोटेस्ट होगा। यहाँ पे यदि ऐसे अपन कर रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, इसमें प्लेन पास करवाएंगे, फिर अपन क्या करेंगे रोटेशन करवाएंगे। और यदि ऐसे लिखा हुआ तो पहले अपन क्या करेंगे उसमें रोटेशन करवाएंगे, फिर क्या करेंगे उसमें प्लेन पास करवाएंगे, ठीक है। अपन कैसे भी लिख सकते हैं इसको, तो अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, जो रिजल्ट आना चाहिए कि आइडेंटिटी आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लास्ट टाइम अपने को क्या निकालना है, इसमें आइडेंटिटी निकालनी है ना, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कितनी बार अपन रोटेट करके यहाँ पे आइडेंटिटी अपना मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, कि मीन 360 रोटेशन, ओके। सेम का सेम अपने को एज इट इज़ ये वाला ही चाहिए, ओके। तो जैसे देखना, इसको भी छोटा लिख देती हूँ, एक सेकेंड। जैसे देखना यहाँ पे BF, यहाँ पे जैसे मैंने नंबरिंग दे दी को 1, 2, 3, ओके। जैसे देखना, मैंने इसको आपको बताया C31 है, मैंने इसको रोटेट करवाया, यहाँ पे C3 आ जाएगी, BF 3, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये रोटेट होगा तो 1 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, 2 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, 3 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ओके। अब मैंने जब इसमें क्या करवाया, फिर से मैंने इसमें क्या करेंगे, प्लेन पास करवाएंगे, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल रहे हैं। तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने का क्या रूल होता है, पहले अपन उसमें रोटेशन करवाते हैं, फिर अपन उसमें क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करवाते हैं, ओके। तो देखना, जैसे यहाँ पे मैंने C3 करवा लिया, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्लेन पास करवाऊँगी, किसके इसके क्या करूँगी, सिग्मा क्या करूँगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सिग्मा के परपेंडिकुलर जब अपन यहाँ पे प्लेन पास करवाते हैं तो कैसे होगा, ऐसे होगा, मतलब जो बैक साइड है वो कहाँ चली जाएगी, फ्रंट साइड में चली जाएगी, जो फ्रंट साइड है वो कहाँ चली जाएगी, बैक साइड में चली जाएगी, लेकिन जो एटम है वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो जहाँ है वहीं रहेंगे। तो यहाँ पे देखना, जैसे BF3 है तो यहाँ पे 3 रहेगा, BF2 है तो ये यहाँ पे रहेगा, BF1 है तो ये एज इट इज रहेंगे सारे, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ओके। ये तो क्या करें, अपने सिग्मा पास करवा ली। अब ये यहाँ पे क्या आया, S31 आ गया अपना, ठीक है। S31 कैसे आया, पहले अपने इसे रोटेट करवाएंगे, फिर इसे रिफ्लेक्ट करवाएंगे, तो अपने पास में कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आएगा, ओके। तो ये तो क्या हो गया S31। अब अपन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। जैसे देखना, मैं इसमें फिर से क्या करवाऊँगी, C32, क्योंकि मुझे सेम मॉलिक्यूल चाहिए ना, तो इससे तो आ नहीं रहा ये डायरेक्ट, इससे तो नहीं आया, तो मैं इसको फिर से रोटेट करवा के देखूंगी, ठीक है। इसमें जब अपन फिर से एक्सिस डालेंगे, रोटेट करवाएंगे, यहाँ से जब एक्सिस डालूंगी तो ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, 1 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, एंड की कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो जैसे देखना, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगी, F3 कहाँ आ रहा है, जैसे देखना F1, F2, 3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 1 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो कुछ अच्छे से स्टोर हो जाएगी, फिर से अपन इसमें क्या करेंगे, सिग्मा पास करवाएंगे। जब परपेंडिकुलर फिर से इसके क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, सिग्मा के परपेंडिकुलर फिर से अपन जब इसमें प्लेन पास करवाएंगे कुछ ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, एज इट इज रहेगी, जैसे BF2, F3 एंड F1, ओके। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगी, फिर से अपन इसमें क्या करेंगे, रोटेशन करवाएंगे। जब इसमें अपन रोटेशन करवाएंगे तो देखना, ये सिग्मा कितने बार करवाया अपने, 2 बार रोटेशन करवाया। अब अपन क्या करेंगे इसमें C32, जैसे देखना, एक सेकेंड, से F3 आ रहा है यहाँ पे, सिग्मा डाला यहाँ पे, रोटेट करवाया, रोटेट करवाने के बाद में F1 F3, फिर ये रोटेट हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, सिग्मा डाला है ना, सॉरी। जैसे देखना, जो ये S31 एंड S32 है, ओके, तो ये सेम क्यों नहीं है मेरा, C31 एंड C32, मैंने फिर से इसको रिफ्लेक्ट करवाया, यहाँ पे 1 है, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलती हो गई भाई। जैसे देखना, यहाँ पे 1 एंड मैंने यहाँ पे पहले इसको C31 रोटेट करवाया, तो मेरा 3 आ गया, वहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। सिग्मा 1 मैं परपेंडिकुलर इसके करवाऊँगी तो 3 वहाँ पे चला जाएगा, 1 यहाँ पे चला जाएगा, 2 वहाँ पे चला जाएगा, ओके। एंड C32 करवाऊँगी तो फिर से रोटेशन करवाएंगे तो क्या होगा, 2, 1 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर से परपेंडिकुलर करवाऊँगी तो 1, 2 एंड 3, हाँ सही तो है, कन्फ्यूज हो रही है बिना मतलब है। देखना, जैसे यहाँ से प्लेन पास करवाया, ओके, तो अपनी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आ गई। फिर से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, C32
फिर से रोटेट करवाएंगे तो C33 कैसे आएगा, यहाँ पे तो C3 आएगा ना। हाँ C33 ओके, कितनी बार रोटेट करवाएंगे, थर्ड बार ओके, तो C33। तो यहाँ पे जब रोटेट करवाएंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी BF, कौन सी आ जाएगी, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ, जब ये रोटेट होगा यहाँ पे, ये रोटेट होगा यहाँ पे, ये रोटेट होगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये रोटेट होगा तो किधर चला जाएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा ओके। 3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओके। तो ये कन्फ्यूजन था मेरे को, मुझे लगा कि इसी वाले स्टेप में आने वाला है, पर थोड़ा कन्फ्यूज हो गया ओके, सॉरी उसके लिए। अब देखना जैसे यहाँ पे ये आपको दोनों सेम लग रही हैं, जैसे यहाँ पे F1 है, F2, F3 मुझे सेम तो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, S31 एंड S32, ठीक है, S32 हो गया यहाँ पे। अब जैसे देखना ये वाला मुझे किस में मिल रहा है, S32 करने से मिल रहा है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे C32 के हो जाएगा इक्वल, है ना, S3 वाला है जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, C3 के इक्वल हो जाएगा। जब मैंने इसको एक बार जब मैंने यहाँ से C3 पास करवाई, फिर मैंने यहाँ से इसी वाली मॉलिक्यूल को जब मैं इसमें क्या करूँगी, C32 पास वापस से इसको रोटेट करवाऊँगी, तो 3 वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, एंड ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या सेम आ सकती है मेरी, आ रही है ना सेम, देखना जैसे ये मुझे क्या चाहिए, ऐसे चाहिए ना डायरेक्टिव, तो मुझे ऐसे तो चाहिए स्ट्रक्चर, तो ये मुझे क्या आ रही है, ऐसे ही मिल रही है C2 के इक्वल, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि C32 के इक्वल होती है ओके। तो जैसे देखना अपन और भी इसको आगे भी निकाल सकते हैं, जैसे देखना ये तो मैंने आपको बताया कि यदि अपन इतनी लंबी प्रोसेस ना करके अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखना अपन ने क्या किया यहाँ पे, जैसे फिर से रोटेट किया, फिर से मैं इसमें सिग्मा पास करवाऊँगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BF3। तो यहाँ पे जब सिग्मा किसके परपेंडिकुलर पास करवाऊंगी तो क्या हो जाएगा, सेम आएगा यहाँ पे 1, 2 एंड 3। फिर से मैंने इसमें रोटेशन करवाएंगे, अपन क्या करेंगे इसमें इक्विवेलेंट ला, इसमें क्या करना है अपने इस वाले स्ट्रक्चर में अपने को इक्विवेलेंट लाना है, ठीक है। तो देखते हैं अपन कितनी बार इसको रोटेट करवाते तो इक्विवेलेंट आता है, 4 बार मैंने करवाया, तो जैसे देखना क्या आएगा BF F3। तो यहाँ पे जैसे 1, 2 एंड 3, तो 1 वाला कहाँ चला जाएगा अपना, जैसे मैंने रोटेट करवाया ना, तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो 1 वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे 2 वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे एंड 3 वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब इस वाली स्ट्रक्चर में अपने क्या करेंगे, फिर से अपन सिग्मा परपेंडिकुलर करवाएंगे तो सेम ऐसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, ठीक है, मैं यहीं पर लिख रही हूँ ओके। जैसे मैंने इसमें फिर से क्या करवाया, सिग्मा पास करवा दिया किसके परपेंडिकुलर, इस वाले स्ट्रक्चर के, तो यही आ जाएगी ना सेम। तो फिर से अपन क्या करते हैं इसमें, जैसे C35 लगाते हैं, रोटेशन करवाते हैं, तो ए वाली कहाँ जाएगी, यहाँ पे ए वाली कहाँ जाएगी, यहाँ पे ए वाली यहाँ जाएगी, तो कैसे हो जाएगा, जी यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, जो 3 वाला कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 1 वाला कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे एंड 2 वाला यहाँ पे, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आ जाएगी। फिर से जब इसमें सिग्मा पास करवाएंगे तो ऐसी स्ट्रक्चर आएगी अपने पास में ओके। फिर से अपन इसको क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं C36 में, ठीक है, C36 में करवाएंगे तो ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी BF F3 फ्लोरिन, तो ये 2 वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 3 वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे एंड 1 वाला यहाँ पे ओके। तो जैसे देखना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसी तो है ना ये अपनी 1, 2 एंड 3, ये दोनों क्या है, सेम है ओके। तो मुझे क्या चाहिए थी, सेम इक्विवेलेंट ही तो चाहिए थी ना, कि दो मुझे क्या चाहिए थी, इक्विवेलेंट चाहिए थी कि कैसे भी करके मेरी स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट आ जाए। तो अपनी कैसे आएगी इक्विवेलेंट, कितनी बार रोटेट किया अपन लोगों ने, 6 बार रोटेट किया ओके। जैसे 1, जैसे पहले क्या किया, यहाँ पे रोटेट किया, फिर प्लेन पास करवाया, फिर तो S31 ठीक है, फिर से अपने क्या किया, फिर से रोटेट करवाया, फिर से प्लेन पास करवाया, मतलब S32, फिर से रोटेट करवाया, फिर से प्लेन पास करवाया, S33 ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने को C36 करते हैं, जब जाके अपने को क्या होता है, यहाँ पे अपने को आइडेंटिटी मिलता है ठीक है। ये तो होता है अपना, ये तो बात हुई अपनी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, कुछ अपन ने कॉन्सेप्ट निकाल के देखे ठीक है। अब अपन देखते हैं ट्रिक से कैसे अपन इसको निकाल सकते हैं, मतलब मैथमेटिक तरीके से अपन इसको निकाल के देखते हैं कि अपन ईजी कौन सा, आपको जो ईजी लगे आप कर लेना, क्योंकि उसमें तो क्या होता है आपको बहुत सारी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखनी पड़ेंगी, फिर आप पहले रोटेट रिफ्लेक्शन रोटेशन रिफ्लेक्शन, ऐसे में क्या होता है बहुत टाइम आपका बर्बाद होता है। तो इससे देखना इससे बेटर कौन सा होगा अपना, जो अभी जो बता रही हूँ ट्रिक वाला, आप उसको करना ठीक है। जैसे देखना अपन बात कर रहे हैं, जैसे n इज इक्वल टू इवन एंड एज n इज इक्वल टू ओड नंबर में देखेंगे, जैसे अपन ने अभी देखा था C3 वाला, वो ओड नंबर का था ठीक है। तो आपको पता है उसमें कौन से प्रेजेंट थे ठीक है। तो अब जैसे देखते हैं अपन उसी का देखते हैं, जैसे n इज इक्वल टू ओड देख रहे हैं, फिर इसके बाद में अपन n इज इक्वल टू इवन वाला पढ़ेंगे। n का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन से ओके। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन यदि इज इक्वल टू ओड के हों ठीक है, ओड नंबर के, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। जैसे यदि
आप हाँ जैसे अपन निकाल रहे हैं किसका एस थ्री वन का, ओके एस थ्री से कर रहे हैं ना इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ओड नंबर की निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पे कि जो एस थ्री टू है वो किसके इज इक्वल टू होता है, सी थ्री टू के होता है, कि जो एस थ्री टू अपना रिफ्लेक्शन रोटेशन से निकलता है वो यदि अपन सी थ्री एक्सिस यदि दो बार वहाँ पर अप्लाई कर दें, सी थ्री एक्सिस वहाँ पर लगा दें तो अपना वही वाला सेम आ जाएगा। तो इस कौन सा आ जाएगा, एस थ्री टू आ जाएगा। तो ये एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये तो आपको बात समझ में, अब देखना जैसे अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे एस थ्री वन, ठीक है एस थ्री वन यदि अपन निकाल रहे हैं तो कैसे कैसे निकाले थे अपने एस थ्री वन, क्या क्या किया था वहाँ पे, पहले क्या किया था जैसे सिग्मा पास करवानी है, ठीक है जैसे सी टू भी, ओके सिग्मा भी पास करवाई थी एंड सी टू भी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी। फिर अपना क्या आ रहा है यहाँ पे, जैसे देखना आपको एक और बात बता दूँ कि जो ओड हो यदि यदि देखना जैसे सिग्मा है, ये सिग्मा है यदि ये ओड हो, ठीक है यदि ओड होता है एंड ये इवन होता है, यदि ओड होता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा होगा, सिग्मा यदि ओड होता तो वहाँ पे सिग्मा ही आएगा, यदि सिग्मा इवन होता है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है मीन आइडेंटिटी, ओके ये बात आपको ध्यान रखना क्योंकि ये मैथमेटिक वाले में अपना क्या करेगी बहुत हेल्प करेगी, ओके। और आपको एक और फॉर्मूला बता देती हूँ जैसे वो बाद में बताऊँगी, ठीक है जैसे देखना यहाँ पे एस थ्री वन लगाया अपने सिग्मा सी टू, सी टू है यहाँ पे तो क्या है अपना इवन नंबर है, इवन है तो यहाँ पे देखना जैसे सेकेंड एस थ्री वन है तो ये क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जैसे एस थ्री वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस थ्री वन ही निकला ना, यहाँ पे एस थ्री वन निकल जाएगा क्योंकि अपन ने क्या किया इसमें तो क्या है ये ओड नंबर में है, ओड नंबर में क्या होता है सिग्मा प्रेजेंट होता है, वन है ना यहाँ पे तो ओड नंबर में, ओड नंबर में क्या प्रेजेंट होता है सिग्मा, ठीक है। अब जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे एस थ्री टू, अपन ने फिर क्या लिखा था एस थ्री टू, एस थ्री टू कैसे किया था अपन ने, जैसे यहाँ पे तो सी टू वन लगाया था, ठीक है फिर अपने सिग्मा पास करवाया सी टू टू, ठीक है सी टू कितनी बार रोटेट करवाया था टू बार, सी टू नहीं यहाँ पे सॉरी सी थ्री, सी थ्री एक्सिस है ना, ओके तो यहाँ पे सी थ्री एक्सिस है इसको कितनी बार रोटेट करवाया था टू बार, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन पास करवाया था तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जैसे ये कौन सा नंबर है ओड है मतलब टू नंबर है ना यहाँ पे तो टू है तो कितने हो जाएंगे, टू क्या होता है अपना इवन होता है, इवन होता है तो यहाँ पे ई आ जाएगा ना, सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा सिग्मा यदि इवन होगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, यदि सिग्मा ओड होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा ही रहेगा, यहाँ पे क्या था सिग्मा ओड था वन नंबर था तो यहाँ पे सिग्मा ही रहा, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे पेन पास करवाया तो एस थ्री वन ही आ रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे क्या था यहाँ पे सिग्मा है वो क्या है इवन है, यदि इवन नंबर में यहाँ पे यदि प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह क्या आ जाएगा आइडेंटिटी, ओके ई 360 जिसको रोटेट करवाते हैं ना अपन सेम आता है। तो सी थ्री टू को मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको पढ़ाया था टेबल बताई थी, ये ग्रुप टेबल पढ़ाई थी तब देखना उसमें मैंने आपको बताया था कि अपन ई को होता है जो आइडेंटिटी होता है उसको अपन वन मानते हैं, ठीक है वन से यदि किसी को भी अपन इंटू करते हैं जैसे टू इंटू वन तो क्या आता है अपना टू आता है, थ्री इंटू वन तो क्या आता है थ्री आता है, किसी भी कोई भी नंबर यहाँ पे हो कोई भी किसी को भी अपन यहाँ से यदि इसको वन से इंटू करते हैं तो क्या आता है अपना वही वैल्यू आती है जिसको इंटू कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देखना मैंने यदि सी थ्री टू को मैं यदि जैसे एक सेकंड में यहाँ पे लिख देती हूँ इंटू सी थ्री टू, ओके यदि मैं सी थ्री टू को ई से इंटू करूँगी मीन आइडेंटिटी से यदि मैं इंटू करूँगी तो क्या आएगा यहाँ पे सी थ्री टू ही आएगा, ठीक है तो किसके इक्वल हो जाएगा सी थ्री टू के, है ना। तो ये तो आपको बात समझ में आई यहाँ पे क्या हो जाएगा सी थ्री टू हो जाएगा, ठीक है ये क्या एस थ्री वन एंड नेक्स्ट क्या है अपना सी थ्री टू। और देखना मैंने आपको अभी क्या बताया था जो एस थ्री टू है ये किसके इक्वल होता है सी थ्री टू के होता है, तो वही वाली बात यहाँ पे देखना जो एस थ्री टू होता है वो किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे सी थ्री टू के, ओके। तो जैसे देखना अब अपन नेक्स्ट निकालते हैं अपना एस थ्री थ्री, ओके एस थ्री थ्री जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो पहले क्या लगाते हैं प्लेन, फिर क्या करें सी फोर थ्री, ओके सी फोर थ्री इज इक्वल टू, अब आपको मैंने बताया था यहाँ पे आते हैं इतना सोल्व करने के बाद आपको देखना है कि इवन नंबर है या ओड नंबर है, जब यहाँ पे ओड नंबर यहाँ पे क्या है थ्री ओड है तो जब आपको ओड नंबर दिखाई दे रहा है तो क्या होगा यहाँ पे सिग्मा होगा, तो सब सिग्मा होता है तो ये क्या होता है आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सी थ्री थ्री क्या हो जाएगा यहाँ पे जब मैं इसको सी थ्री थ्री से जब इंटू करूँगी तो ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मतलब इसका क्या आ जाएगा एस थ्री थ्री आ जाएगा ना, जैसे इसका एस थ्री वन है वैसे इसका क्या आ जाएगा एस थ्री थ्री आ जाएगा, ओके। अब जैसे देखना नेक्स्ट आता है अपना थ्री, और यदि इसको देखना सिग्मा डॉट आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा ही तो आएगा ना, ठीक है क्या आ जाएगा सिग्मा आएगा ना, क्योंकि सिग्मा को यदि आइडेंटिटी से यदि इंटू करेंगे तो क्या आएगा सिग्मा ही आएगा,
ठीक है, अब जैसे बात करते हैं अपन S3-4 की, S3-4 बार जब अपन रोटेट करवाते हैं तो क्या करवाते हैं, पहले प्लेन पास करवाते हैं, फिर क्या होगा रोटेशन करवाते हैं। जब रोटेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या नंबर है, इवन नंबर है। और एक और बात आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो ये 3 है ये क्या था, ये क्या 3 है, इससे ज़्यादा क्या है 4 वाला। तो इसका देखना जैसे फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया जैसे CN की पावर m, ओके CN की पावर m होती है, तो जो n होता है वो क्या होना चाहिए, जैसे लेस देन होना चाहिए किससे, m से। ओके m किससे, n किससे, यदि लेस देन है किससे, m से, तो अपन क्या करेंगे वहाँ पे n-1 कर देंगे। ओके सॉरी CM की पावर n, CM की पावर n, एन किससे लेस देन होना चाहिए, एम से। तो ये मतलब अपन लेस देन कर देंगे इसको, 4-1 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। हाँ तो देखना जैसे अपन यहाँ पे S3-4 किया, फिर इसमें यहाँ पे सिग्मा लगाया, ठीक है, C3-4 बार इसको जब रोटेट करेंगे तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एन माइनस वन कर देंगे वहाँ पे, तो अपने क्या जाएगा वो, क्योंकि कब करेंगे, जब ये ओड होगा, ठीक है, एन इज इक्वल टू ओड होगा। इवन में इसके कुछ अलग रूल हैं, ठीक है, ये क्या हो यहाँ पे ओड के बता रही हूँ मामूल आपको, ठीक है। तो देखना जैसे यहाँ पे S3-4 इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, S3-4 हो जाएगा। जैसे देखना S3-4 है, इसमें यहाँ पे क्या सिग्मा को अपने 4 बार रोटेट करवाया, ठीक है, इसको 3 बार रोटेट कराया, इसको 2 बार, इसको 1 बार, ठीक है। तो मैंने सिग्मा को 4 बार रोटेट कराया, तो यहाँ पे रोटेशन क्या होगा, C3-4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे S3-4 आ जाएगा। अब आइडेंटिटी को जब C3-4 से करवाएंगे रोटेशन अपन, तो देखना जैसे अपन यहाँ पे क्या करवाते हैं, आइडेंटिटी को C3-4 से रोटेट, C3-4 है यहाँ पे, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, जब ओड नंबर होगा तो क्या आ जाएगा, इवन होगा तो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आइडेंटिटी, जब मैं इसको इनटू करवाऊंगी तो क्या बचेगा, C3-4। ओके अब क्या करना है अपने को, जो ये वाला नंबर है जैसे एम है, ठीक है, यहाँ पे यार एन ही कर लो, ये एन होगा, ये एम है, CN-m, CN की पावर m होती है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है CN की पावर m। तो यहाँ पे क्या होता है, m के, n क्या होता है, लेस देन होता है किससे, m से। तो n-1 करना है अपने को, जिससे क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो C3-4 है, 4 को क्या करेंगे अपन, जैसे 4-1 तो क्या आ जाएगा, C3-3, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C3-1। ओके कुछ ऐसे आ जाएगा अपनी स्ट्रक्चर। तो अपने को यहाँ तक हो गया कि S3-4 से अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है, S3-4 तक। अब देखते हैं अपन S3-5। S3-5 में भी आपको पता है, S3 में σ3 हो रहा है, σ2 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे इसका भी क्या हो जाएगा, σ5 हो जाएगा, C3-5 हो जाएगा, इज इक्वल टू, जब मैंने यहाँ पे क्या है, ओड नंबर है अपना, ओड है तो क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा के साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S3-5 आ जाएगा ना, सिग्मा के साथ में कर रहे हैं, आइडेंटिटी तो है ही नहीं इसमें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, S3-5 आ जाएगा, C3 नहीं आएगा। तो जब यहाँ पे S3-5 आ जाएगा, तो देखना जैसे फिर से वही वाला रूल लगाएंगे, S3 है तो ये ज़्यादा है ना इस वाले नंबर से, ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5-3 नीचे वाली संख्या को, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2 हो जाएंगे। ओके तो क्या आ जाएगा, S3-2। अब देखते हैं अपन यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ S3-6 से, यदि अपन इसको रोटेट करवाते हैं, ठीक है, S3-6 बार करते हैं, तो यहाँ पे क्या था, सिग्मा सिक्स के बाद में क्या हो जाएगा, सिक्स क्या है, इवन है ना, तो हाँ सी है। फिर इसमें क्या करेंगे, जैसे आइडेंटिटी C3-6, इसको जब इस इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, C3-6 आ जाएगा, ठीक है, C3-6 आ जाएगा। तो ये इससे बड़ी संख्या है, 3 से कौन सी बड़ी है, 4 है। अपने क्या करना है, इससे क्या होनी चाहिए, हमेशा छोटा ही नंबर होना चाहिए, ठीक है, या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। जब भी इससे बड़ा होगा, आपको क्या करना है, वहाँ पे n-1 करना है, ठीक है, वहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। ओके तो n-1 करना है, तो यहाँ से इससे माइनस करेंगे ना अपन, n कौन सा वाला है, ये वाला है, तो इससे अपन माइनस कर देंगे। तो अपना कैसे माइनस कर देंगे, 6-3, तो क्या आ जाएगा, C3-3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, आइडेंटिटी, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बाहर से कट जाएंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा अपने पास में, आइडेंटिटी। ओके तो अपने को क्या चाहिए था, आइडेंटिटी चाहिए था। तो अपना कैसे करके, यहाँ पे देखना कितनी लंबी प्रोसेस करके अपना क्या है, ये आइडेंटिटी आया है। ओके तो अपने को यही देखना है कि अपना आइडेंटिटी कैसे आता है। तो अपने जैसे यहाँ पे देखना कितनी बार किया रोटेट, 1 S3-1 एंड S3-3, ओके S3-3 के बाद में कौन सा वाला, S3-5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना S3-1 S3 जब अपने को निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा S3-1 और S3-5 बार जब अपन रोटेट करेंगे, तो अपना क्या आता है यहाँ पे,
ओड नंबर वाला, मतलब S3 निकलता है S3 और 5 से। ओके अब जैसे देखना, ये तो होगी अपनी इवन की बात, ठीक है। अब जैसे अपन बात करते हैं ओड की, सॉरी ओड की बात होगी, अब करेंगे इवन की। ओके तो यदि n इज इक्वल टू इवन हो, ठीक है, n इज इक्वल टू, यदि इवन दिया हुआ अपने को, तो अपन क्या करेंगे, n इज इक्वल टू इवन है तो देखना, जैसे हाँ यदि n इज इक्वल टू इवन है तो जैसे 4 का लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे अपन क्या करेंगे S4 मैथमेटिक्स से निकाल के देखते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है। जैसे S4 1 का निकालेंगे तो क्या होगा, पहले अपन क्या करेंगे इसमें प्लेन पास करवाएंगे, मीन सिग्मा 1, फिर S4 1, तो इज इक्वल टू अपना C4 1, तो क्या आ जाएगा अपना, जैसे C4 1 करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, S4 1 आ जाएगा। अब अपन देखते हैं जैसे S4 2, तो इज इक्वल टू सिग्मा 2, C4 2 रोटेट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, S4 2, ठीक है, S4 2 इवन है ना, यहाँ पे इवन होगा तो आइडेंटिटी आएगा ना, C42, तो क्या आ जाएगा, C42 आ जाएगा। ओके S43 का यदि करेंगे तो यहाँ पे क्या, सिग्मा 3, C43, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओड है, ओड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, C43 आ जाएगा ना, सॉरी S43। एंड S44 का यदि करेंगे तो देखना, सिग्मा 4, C44, तो क्या आ जाएगा, जैसे S44 है वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, इवन नंबर दिया हुआ है और ये दोनों इक्वल हैं तो काटना तो है नहीं, यदि इक्वल हो, इवन में क्या होता है, अपन इवन में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या आ जाता है अपना आइडेंटिटी। ओके इसमें क्या होती है, इससे बड़ी संख्या जा नहीं रही, इसमें यहीं पर अपने को क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने को, इसे देखना है कि n इज इक्वल टू इवन है तो इसमें कितनी बार आइडेंटिटी आया है अपने पास में, जैसे S43 किया और S41 किया, फिर अपने पास में क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आएगा। उसमें तो अपने S33 भी हुआ था, ठीक है, एंड S35 भी आया था अपना, और में तो देखना, जैसे मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको।